जब वो चार श्लोक चार पंक्तियों का श्लोक लिखा, मंत्री वो श्लोक को पढ़ा और दो मिनट में उनकी आंखों में आंसू आए और राजा भोज के उस जो भोज था पुत्र था जिसको मारने के लिए गए वो उनके चरणों में पड़ गया और कहा कि बहुत बड़ी भारी गलती हो गई भोज राजा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे किसी भी तरह क्षमा कर दो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि आने वाला सब मरने ही वाला है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी चरणों में रखता हूं और ये श्लोक में पहुंचाऊंगा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मुझे पता है कि राजा मुझे मार डालेगा, मैं उसको देख लेता हूं किसी भी तरह क्या भी करना है, लेकिन भोज तुम जैसे विद्वान आदमी के संसार में जरूरी है, अगर आज मैं तुम्हें मारूंगा तो मेरी सात पीढ़ियों का उद्धार भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी एक काम करते हैं, रात हो गई है, मैं तुम्हें यहां से रथ में ले जाता हूं, रथ में ले जाकर तुम्हें मेरे घर में ही छुपा के रखता हूं और मैं मुंच नाम के राजा जो है जिन्होंने आज्ञा दी है उनको कुछ भी कहेंगे मैं बता दूंगा कि क्या करना है। वो भोज को अपने घर ले गया, घर में छुपा के रखा और वहां के बहुत बड़े अच्छे अच्छे शिल्पकार रहते थे, तो उस शिल्पकार के जाकर उसने कहा मिट्टी का एक पुतला बनाओ जिसमें भोज राजा का सर हो, इस तरह बताओ। उसने पुतला बना लिया रातों रात, उसके ऊपर बकरी का रक्त डाल लिया और राजा के पास ले जाकर कहा देखो भोज को मैंने कत्ल किया और उसका ये सर ला लिया। वो तो मूर्ख था ही क्योंकि लोभ के वश में था, वो क्या हो रहा है वो देखता ही नहीं और उसके ऊपर मंत्री के ऊपर विश्वास था। उसने कहा ठीक है बहुत अच्छा किया, लोगों में बात फैल गई कि भोज को मार दिया गया है और अब मुंच राजा बना है, सारे प्रजा में व्यतिरिक्ता विरोध फैलते गया, ये विरोध को देखकर मुंच भी कुछ करते नहीं गया, तो उतने में क्या हुआ मुंच ने उस वत्सराज मंत्री को पूछा कि मरते समय भोज ने कुछ कहा, तो हाँ कहा, उन्होंने पत्र लिखा, उनको छह उंगलियां थी, एक उंगली को काटकर उस रक्त के साथ उन्होंने एक मंत्र लिखा वो पीपल के पत्ते पर, वो ये रहा ये खत रहा उन्होंने राजा को बताया, मुंच राजा को बताया। राजा ने जब वो श्लोक देखा तो वह इतना रोया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भोज को क्यों मारा, इस पाप से मेरा कैसा उद्धार हो, अरे तूने क्या कर दिया। बोला तुम्हें तो मारने के लिए कहा था, मैंने मार दिया। वो रोया और उसने कहा कि अब क्या करने से अपने को ये ठीक होगा। वत्सराज को यह पता था कि जब ये पूछेगा कि मृत हो गया है, भोज मृत्यु को प्राप्त कर लिया गया है, तो ये जरूर कहेगा कि वो बचा तो अच्छा रहता था, नहीं तो मैं इन पापों के इस कारण लोभ के कारण मेरा वंश भी पूर्ण तरीके से नाश हो जाएगा। उसने उसके कहा वत्सराज अब कोई उपाय तो बताओ। तो वत्सराज को यही समय मिला, यही लगा कि अच्छा हुआ। उसने कहा कि हमारे शहर के बाहर एक बहुत बड़े ऋषि आए हुए हैं, वो मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं, अगर आप कहो तो मैं उसको जाकर बात करता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ और उनके साथ बात करो। उनके पास गए क्योंकि राजा भोज तो इसी के घर में थे। उन्होंने रात्रि में आयोजन किया कि बहुत बड़ा हवन हो रहा है, हवन में बहुत धुआं उठाया गया और उस धुएं में राजा के भोज को लाया गया और कहा कि राजा भोज जिंदा है। उसने राजा भोज को नमस्कार करते हुए कहा कि हे भोज मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई थी, तुम बच के आ गए बहुत अच्छा हुआ, मैं संन्यास लेता हूँ तुम्हारे पिताजी की तरह, मैं जाता हूँ। भोज को राज्य सौंप कर वो चले जाने लगा। तब जो माता रो रही थी कि मेरे पुत्र को मारने वाला है, वो कुलदेवी और कुलदेवता के सामने जाकर रोने लगी कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। यह अर्थ था कि संकट आने पर भी राजा भी समझ ले, चाहे कितना बड़ा भी आदमी समझ ले, लेकिन अपने पुत्रों पर अपने ऊपर आने वाले संकटों को कुलदेवता ठाकते और उस कुल का उद्धार करते हैं, उस कुल को श्रेष्ठता के साथ रखते हैं, उसके जीवन में अस्थिरता नहीं आने देते और बाद में राजा भोज कहलाए। इस राजा भोज के कहने से ये जो श्रेष्ठता हुई और कुल देवता की पूजा उनके घर में होती रही, यह उज्जैन में आज महाकाल का जो मंदिर आप देखते हैं बहुत सारे लोगों का वह काल देवता है। यही भोज इसी उज्जैनी की नगरी में बहुत प्रकांड पंडित हुए, बहुत सारे पंडित हुए और इसके राजा भोज हुए। तो राजा भोज के राज्य में कम से कम उनके दरबार में 250 लोग पंडित रहा करते थे और नवरत्न उनमें थे ही थे, ऐसे कितने ही लोग थे। तो ये सारी चीजें रहने के बाद भी इतने विद्वानों का होता था। जब राजा ने देखा कि मूर्खों की बहुत ज्यादा हमारे राज्य में रह रहे हैं, तो उन्होंने पहली बार अपने लड़कियों को और अश्रद्धाओं को जो पढ़े नहीं है उनको सभी को पढ़ाई और स्कूल खोली और पढ़ाई का विद्या पढ़ने का विद्यालय की स्थापना की और विद्या को उन्होंने बहुत प्रचार किया। विद्यालय हुए, सभी लोग पढ़ने लगे, ज्ञान हुआ, सब लोग आगे चलने लगे। राजा भोज की इस क्रिया को देखकर सभी लोग संतुष्ट हो गए। बाद में
जब ये राजा भोज योग्य हुए तो उनको ऐसा लगा कि अपने की योग्य पत्नी को ढूंढना चाहिए। आज के जमाने में भी हम पत्नियों को ढूंढते हैं, आज आई कल गई। आज का जमाना तो ऐसा है, पत्नी आज आई कल गई या पति आ जाए कल गया, और माँ बाप को इसकी इतनी चिंता बनी रहती है कि मेरी बेटी का क्या होगा। पत्नी को चिंता रहती है, आजकल वो चिंता तो उन लोगों ने भी छोड़ दी कि कुछ भी हो अच्छा रहा तो पति है, नहीं तो पति नहीं है। इस प्रकार का समाज आजकल निर्माण हो गया। आप सब लोग देख रहे हैं, न घर में सास ससुर को शांति है, न पति पत्नी शांति से रहते हैं, न उनको होने वाले बच्चे शांति से रहते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे लोग, आप नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं गुरु जी मेरा बेटा इतना खतरनाक हुआ वो मुझे ही मारता है। नहीं मारेगा क्या? क्यों नहीं मारेगा? हमने कुल देवता को छोड़ दिया है, कुल देवता का पूजन नहीं कर रहे हैं, हमें कुल देवता क्या पता है, हमें पता नहीं है। आज इस युग में भी मेरे पिताजी मुझे गालियां देने पर, आज आपकी रिसेंट की बात, दो साल पहले सबने मेरे पिताजी को आपने देखा है और बहुत सारे लोग जानते थे, इतने गुस्से वाले थे कि कभी गुस्सा आया गुस्सा कर देते। वैसे तो मेरे गुरु के कारण मैं सामर्थ्यवान था ही जी रहा था, फिर भी पिताजी अगर गाली दे तो वहां से निकल जाता था लेकिन कुछ बात नहीं करता था। लोगों ने सुना है मेरे पिताजी मुझे गालियां देते हुए। ये संस्कार थे उस जमाने में जहाँ कुलदेवता की पूजा होती है, अपने पिता माता पिता और अपने साथ हम सुखी जीवन संतुष्ट जीवन गुजारते हैं। आज वो नहीं है, आज पिता का हम तभी विरोध करते हैं, माता का तभी विरोध करते हैं। सास ससुर तो दूर की बात रही, महाराष्ट्र में तो सास ससुर को कचरा का डिब्बा कह रहे हैं, मैंने सुना है ऐसा। सास ससुर है तो पहले कन्या पूछती है कि तुम्हारे घर में कचरा है, कचरा का मतलब होता है सास ससुर, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ है कहाँ तक ये सही है मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार का प्रमाण हो गया है कि हम अपने माता पिता को अपने बड़े लोगों को हमने एक प्रकार का सम्मान देना छोड़ दिया गया। भाई बहन भाई बहन नहीं रहते अपने पास, भाई भाई भी भाइयों का तो आप दुख देख रहे हैं। आज ने पांडवों के जमाने से जहां हम कुलदेवता की पूजा की बात करते हैं, आप देखो भगवान दशरथ के पुत्र चार पुत्र हुए और चार पुत्र भी उनके कुलदेवत, वो सूर्यवंशी थे, उनका कुलदेवत अयोध्यानाथ था। अयोध्यानाथ का मतलब होता है भगवान विष्णु सोए हुए और उनके लक्ष्मी पांव दबाती हुई और उनके नाभि कुंड से ब्रह्मा निकले हुए, इसे अयोध्यानाथ कहते हैं। और अयोध्या का कुलदेवत वो था। अयोध्या के कुलदेवत की जब तक पूजा हुई तब तक उस संसार में किसी प्रकार का कोई द्वेष कोई ये नहीं चला, बहुत अच्छी तरह चला। लेकिन बात यह हुई कि जब सूर्यवंशस्थ हुए उनके कुल ऋषि थे वशिष्ठ, और बीच में ही वशिष्ठ और विश्वामित्र में झगड़ा होने के कारण विश्वामित्र आए और दशरथ जी से कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को जंगल में ले जाना चाहता हूँ। दशरथ रोते रहे कि मेरे छोटे छोटे पुत्र हैं, इनको कैसा भेजूं? आज हम अपने हमारे पुत्रों को बाहर भेजते हैं, अमेरिका को भेजने से पहले 10 बार कहते हैं कि तू वहां जा, ऐसा रहे वैसा रहे। वो अमेरिका जाता है तो बाप को फोन भी नहीं करता, एक बार कमाना शुरू कर दिया तो बाप को देखता भी नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे पास। रिसेंटली मैंने एक घटना ऐसी हुई, मेरे आंखों में ही आंसू आ गए। बच्चा बहुत दिनों से अमेरिका जाने के लिए कर रहा था, उसका बाप मर गया था, माँ अकेली थी और बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा था अमेरिका जाने की, गुरु जी मुझे अमेरिका जाना है, मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरी माँ के पास कुछ नहीं, मैं अमेरिका में पैसा कमा के रहूंगा, अच्छा घर बांधूंगा, शादी कर लूंगा, ये सारी बातें उसने मुझे सुनाई। मैं बोला माँ अकेली है, यहाँ रह के सेवा कर ले, यहाँ रह के अच्छा रहता है क्या, 2 पैसे कम कमाएगा लेकिन यहाँ रह जाओ। लेकिन उसने नहीं बात सुनी और बार बार यही कहता रहा कि गुरु जी आप मुझे देखते नहीं, मेरे पर अश्रु की आशीर्वाद देते नहीं, आप अमेरिका उभरी हो। मैंने आखिर कहा इस बार ये साधना कर ले तू अमेरिका जाएगा। वो अमेरिका गया, अमेरिका गया 10 ही दिन हुए, 11वें दिन माँ मर गई। यहाँ माँ मर गई तो वो कहता है कि अगर मैं वहां से इधर आ गया तो गुरु जी मैं फिर अमेरिका नहीं जा सकूंगा, फिर अमेरिका का यहाँ माँ का संस्कार करे तो कौन करेगा। वहां से फोन आया गुरु जी माँ मर गई है, उसका संस्कार मैं वापस नहीं आ सकता, मेरे कोई संबंधी रिश्तेदार उनको मेरे माँ को देखने के वाले नहीं है, क्या करना है? बोले तू देख क्या करना है, मैं तो गुरु क्या कर सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ, तेरी माँ का जाकर संस्कार तो नहीं कर सकता। उसने कहा गुरु जी कुछ नहीं, आपको म्युनिसिपैलिटी में लोग मालूम है क्या? बोले क्यों नहीं, आप ऐसा करो म्युनिसिपैलिटी के किसी ऑफिसर को मुझे फोन दे दो, मैं ऑनलाइन पे बात करता हूँ। बोला क्या बात करेगा, बात करता हूँ। आके पता चला कि वो क्या कर रहा है। मैं बोला वो काम मेरे को मत सौंप, तू जो देख लेना है देख ले। उसने म्युनिसिपैलिटी को ऑनलाइन पे फोन किया और कहा कि फलाना फलाना घर में फलाना एक बूढ़ी औरत मर गई है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं अमेरिका रहता हूँ, अभी वहां से नहीं आ सकता, तुम उसका संस्कार करने के लिए जो भी पैसा मांगो मैं यहाँ से भेज देता हूँ,
तो उसका संस्कार कर दो और वो राख निकाल के रख दो, मैं जब भी आऊंगा उसका संस्कार करूंगा, तुम मां का संस्कार कर दो।